डिस्क का उसके बीच में क्या वेरिएशन होगा यहाँ पे ओके okay. और क्वेश्चन में बोला है कि एक चार्ज सरफेस okay. तो देखो ये डिस्क बनाता हूं मैं ओके ये डिस्क हो गया और इस डिस्क का यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है R. Okay. और इस पे चार्ज क्यू जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओके okay. चार्ज क्यू जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओके okay. ये चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सो so, यहाँ पे डिस्क रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ओके ये एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा तो यहाँ पे रोटेट करने की वजह से यहाँ पे देखो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा चार्ज यहाँ पे हमारा रोटेट करने लगेगा तो चार्ज अगर रोटेट करेगा तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा ओके तो अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे मैग्नेटिक तो फील्ड निकालने के लिए यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं एक एलिमेंट्री रिंग ओके तो यहाँ पे मानता हूँ ये हमारा क्या हो गया एक एलिमेंट्री रिंग हो गया ओके यहाँ पे एक एलिमेंट्री रिंग कंसिडर कर लिया और इस रिंग का रेडियस क्या हो गया वो हमारा स्मॉल आर हो गया यहाँ से ओके और इसका जो थिकनेस हो गया वो कितना हो गया हमारा डी आर हो गया ओके तो इस पे चार्ज जो होगा ऑन द रिंग सो चार्ज ऑन द एलिमेंट्री रिंग चार्ज ऑन द रिंग ओके सो चार्ज आ जाएगा डी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू अपॉन में पाई आर स्क्वायर ओके और इंटू में आ जाएगा टू पाई आर डी आर टू पाई आर इंटू में डी आर ओके सो यहां से ये यह कितना आ जाएगा देखो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्यू पाई से पाई यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से हमारा यह आ जाएगा टू कैपिटल क्यू अपॉन में और इंटू में आर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में डी आर ओके ये चार्ज आ गया हमारा रिंग पे अब करंट यहाँ पे ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द चार्ज ऑन द रिंग क्या हो जाएगा करंट करंट आई आ जाएगा यहाँ पे हमारा डी क्यू में टी ओके और टी क्या हो जाएगा डी क्यू में डी टी ओके ये हो गया यहाँ पे हमारा करंट सो डी टी क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा टू पाई बाई ओमेगा सो टू पाई बाई ओमेगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी क्यू में टू पाई और इनटू में यहाँ पे ओमेगा चला जाएगा सो so, यहाँ से मेरी करंट की वैल्यू क्या जाएगी? की आ जाएगी करंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारा डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे देखो कितना हो गया ये था हमारा टू क्यू आर ओके अपॉन में आर और इंटू में यहाँ पे डी आर और इनटू में ओमेगा और अपॉन में क्या आ जाएगा ये टू पाई ओके तो यहां से हम टू से टू कैंसिल आउट कर देते हैं सो यहाँ से हमारी जो करंट है आई उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ये आ जाएगी क्यू ओके और यहाँ पे ये बचेगा आर ओमेगा डी आर और अपॉन में क्या आ जाएगा ये पाई आर स्क्वायर ओके तो करंट हमें पता चल गया अभी इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द सेंटर ऑफ द रिंग ओके सो यहां पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड V इज टू डी वी एलिमेंटरी रिंग के सेंटर पे डी इक्वल टू क्या हो जाएगा सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है म्यू नोट आई वाई टू आर ओके okay. क्योंकि आर रिंग का ये रेडियस है टीवी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी म्यूनोट आई की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे ये यह आ जाएगा क्यू आर ओमेगा डी आर ओके और अपॉन में क्या आ जाएगा यहां से मेरा पाई आर स्क्वायर ओके ये हो गई हमारी किसकी करंट की वैल्यू और अपोन में क्या आ जाएगा ये अपोन में आ जाएगा ये हमारा टू आर ओके सो so नाउ इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ रहा है यहाँ से डी वी की वैल्यू आ जाती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की एट देंटर ऑफ द रिंग एलिमेंट डी वी इज इक्वल टू आ रहा है यहाँ से हमारा म्यू नोट और ये आ जाएगा क्यू और यहाँ से देखो ये आर से आर मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ सो so, म्यू नोट क्यू ओमेगा डी आर अपोन में क्या आ जाएगा ये टू ऊपर चला जाएगा पाई आर स्क्वायर ओके okay. तो ये आ गया हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द ये जो हमने एलिमेंट्री रिंग लिया है ये ये क्या है? लिया है हमने एलिमेंट्री रिंग ओके तो यहां पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से सेंटर पे सेंटर ओ पे वो कितना होगा डी वी होगा ओके okay. बट हमें पूरी डिस्क पे वेरिएशन देखना है मैग्नेटिक फील्ड का तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द होल डिस्क सो मैग्नेटिक फील्ड फील्ड एट दी सेंटर ऑफ दी होल डेस्क सेंटर ऑफ दी होल डेस्क ओके होल डेस्क तो यह आ जाएगा कितना इसको इंट्रीगेट कर देंगे सो इज इक्वल टू इंट्रीगेशन ऑफ डी वी ओके और यहाँ पे इसको इंट्रीगेट कहाँ से कहाँ तक कर देंगे जीरो टू आर ओके यहाँ पे देखो डी और इसको इंट्रीगेशन कर देंगे जीरो टू आर और ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हमारा ये सारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो so, लिख देते हैं अपॉन में कितना आ जाएगा ये टू पाई आर स्क्वायर इनटू में डी आर ओके तो ये आ जाता है यहाँ से हमारा इज़ इक्वल टू म्यूनोट क्यू ओमेगा अपॉन में टू पाई आर में जीरो टू आर डी आर ओके सो नाउ इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं सो इज़ इक्वल टू आता है यहाँ से हमारा म्यूनोट क्यू टू पाई आर स्क्वायर और इनटू में क्या जाएगा? यह यहां से हमारा? का करेंगे, तो आ जाएगा यहां पे, तो, तो यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है होल्ड डेस्क वो कितना आ जाएगा म्यूनोट क्यू ओमेगा अपोन में टू पाई आर ओके तो ये साइड टर्म कॉन्स्टेंट है तो बी यहाँ से हमारा क्या है इनवर्सली प्रोपोजनल है किसके वन बाई आर के ओके तो यहां से देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके वन बाई आर के तो यहां से देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा वो कैसे वेरी करेगा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ग्राफ़ देखते हैं तो यहाँ पे देखो जो वी है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओके क्योंकि दोनों वैल्यू अगर देखो जीरो पुट करते हैं तो ये क्या जाता आ जाता है इनफाइनाइट आ जाता है ओके तो यहां पे देखो अगर v इज टू जीरो है सपोज अगर वी इजल टू जीरो है यहां पे तो r की वैल्यू इनफाइनाइट होगी ओके और आर इजल टू जीरो है तो v की वैल्यू यहाँ पे हमारी इनफाइनाइट होगी मतलब कि r बढ़ाएंगे तो v हमारा डिक्रीज होगा और v बढ़ाएंगे तो r डिक्रीज होगा ओके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओके सो यहां से हमारा जो डी ऑप्शन है इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज आज डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर